कुछ लोगों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड बनाया और पता नहीं कब वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिक्लेयर हो गया इसके एनवायरनमेंट में। बस एक्सेप्ट कर लो हमें, प्लीज प्लीज जस्ट एक्सेप्ट अस। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से
अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया।
फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊँगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊँगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर
उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है।
इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में
सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के
बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया।
डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए
दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप
आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है।
आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की
प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की
बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है।
उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है, जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है, जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से
अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया।
फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल, जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है, जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल, जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल, जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है, जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल, जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल, जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है, जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर
उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है।
इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में
सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, सोनाक्षी सिन्हा हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, सोनाक्षी सिन्हा हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, सोनाक्षी सिन्हा हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के
बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया।
डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए
दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप
आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है।
आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की
प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, सोनाक्षी सिन्हा हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, सोनाक्षी सिन्हा हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है, सोनाक्षी सिन्हा हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की
बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है।
उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है, जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमेटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे, जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगत राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से
अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुड़ जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया।
फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाते हैं। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सएल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सएल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सएल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर
उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज़ किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती हैं। इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी के साथ जहीर इकबाल, मगध राघवेंद्र जैसे अभिनेताओं ने प्रमुख भूमिका में अभिनय किया। डबल एक्सेल जिसे 2022 में हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म के साथ रिलीज किया गया। कहानी दो बड़े आकार की महिलाओं की बताई गई है जो कि उत्तर प्रदेश के हृदय क्षेत्र से और नई दिल्ली में आती है, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए खुद को खोजती है।
इन्हें शारीरिक सकारात्मकता को मिलती है, सुंदरता के मथित को तोड़ती है, आकार के अनुसरूप आगे बढ़ती है। फिल्म को लोगों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म 4 नवंबर 2022 को रिलीज की गई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ से अधिक कमाई की थी। फिल्म की बजट कुल 22 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे फिल्म की कहानी देखते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दुनिया के बिल्कुल विपरीत हिस्सों में रहने वाली दो बड़े बड़े आकार की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, एक जो कि मेरठ से आती है जबकि दूसरी नई दिल्ली की है। केवल एक या दो देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को छोड़कर उनके पास कोई भी रिश्तेदार नहीं है और दुनिया से वह हमेशा डांट खाती है। उन्होंने एक साथ आते हुए दुनिया को देखने का फैसला किया और वह एक साथ रहती है, अपनी प्रतिभाओं से आगे निकलती है। वह अपने प्रयास में दो युवा और पुरुष से जुट जाती है। उन्हें लंदन में जाना पड़ता है जिससे दुनिया उनकी प्रशंसा करती है और वह अंततः अपने आप को सफल होती हुई पाती है। फिल्म में सिनेमाटोग्राफर के तौर पर मिलिंद जोग थे जबकि एडिटिंग इस फिल्म की अभिषेक आनंद ने की है। आज मैं आपको ड्यूअल एक्सेल इस मूवी की कहानी और फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। फिल्म ड्यूअल एक्सेल जिसे 2022 में रिलीज़ किया गया। फिल्म की कहानी